से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओपी सिंह जी, शुरुआत अब मैं आपके साथ ही करती हूं। कितनी तैयारियां बीजेपी की नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के लोगों को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो और मतदाताओं को वोट डालने दिया जाए, धांधली ना हो चुनावों में। बीजेपी की पूरी तैयारी है दोनों विधानसभा सीट पर, लेकिन जो आपने एक सेंटेंस प्रयोग किया, अगर ये जीत गए तो निष्पक्ष, और अगर हम जीत गए तो ईवीएम या इनका जो प्रश्नचिन्ह रहता होता है। देखिए, रामपुर जनपद की जो रामपुर लोकसभा सीट और रामपुर जनपद की रामपुर विधानसभा सीट, ये दोनों लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी से गढ़ मानती थी डॉक्टर आजम खान जी, जो जिसको ये अपना पारिवारिक अपना कब्जा मानते थे, ये दोनों सीट गवा चुके और दोनों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा। स्वार विधानसभा सीट, इस पर भी चुनाव होने जा रहा है, 13 मई को परिणाम आएगा। यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार से मिर्जापुर की 96 जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, इस पर अपना दल का लगातार इस पर परचम फहरा रहा हमारे सहयोगी दल असामयिक राहुल प्रकाश कोल के असामयिक। लेकिन यह एक बात सोचने की चीज है कि यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव परिणाम आए हैं दो, उसमें भारी अंतर है। 2022 के चुनाव परिणाम जब आया था तो भारतीय जनता पार्टी के राहुल प्रकाश कोल को 47.29% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को मात्र 29.78% वोट मिले थे। वहां अपना दल जो हमारी सहयोगी पार्टी है उसको 40 से 50 हजार मतों से विजय प्राप्त होती है और वहां समाजवादी पार्टी की हार। ये दोनों पर हमारी पूरी तैयारी, हर चुनाव को हम चुनौती देखिए। आप कह रहे तैयारियां तो पूरी है ओपी सिंह जी, लेकिन ये भी बता दीजिए कि प्रत्याशी अपना दल से होगा या फिर बीजेपी का होगा, अब ये तो बता दीजिए कम से कम। ये तो देखिए, हमारा ये हमारे उसमें आता नहीं सीमा में, ये तो पार्टी सही करेगी, लेकिन इतना जरूर है जिसका जो चूंकि उस पर अपना दल का विधायक था, उनका निधन हुआ तो जाहिर सी बात है कि अपना दल को ही जाएगा। इसके अलावा पार्टी जो भी रणनीति तय करेगी, जो भी अपना दल और भाजपा के बीच में जो समझौता होगा, ये इसके बारे में तो मैं कोई टिकट नहीं करूंगा। आप अपनी बात चलिए पूरी कर लीजिए एक बार, फिर मैं जाती हूँ रुद्र प्रताप जी के पास। वो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। ठीक है, ठीक है। रुद्र प्रताप दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सीट है स्वार सीट, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आजम परिवार का भविष्य जो है वो भी इस पर टिका हुआ है। इकलौती सीट ये बची है। दिव्या जी, आजम परिवार का आपने जिक्र किया, आजम परिवार में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। दो सांसद एक विधायक थे अभी कुछ साल पहले, और अब आप देखिए किसी के पास कोई भी पद नहीं है। 2022 ऐसा साल रहा जिस साल में रामपुर में 3 चुनाव हुए, और शायद इसी वजह से उसमें लगातार मत प्रतिशत की आपको कमी दिखाई पड़ी। हर चुनाव में वोटिंग दर वोटिंग मत प्रतिशत कम होता गया, और अब आप इस बार देखिए कि स्वार टांडा में फिर चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात दिव्या जी है कि अब्दुल्ला आजम साहब 2 बार विधायक बने और दोनों बार उनकी सदस्यता गई। ये एक अपनी तरफ से इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। दूसरा बात, आपने क्या पूछा ओपी सिंह जी से कि क्या ये सीट अपना दल को जा सकती है। देखिए, अगर मुस्लिम उम्मीदवार होगा तो ये सीट जा भी सकती है, जैसे रामपुर में उन्होंने कहा था नवाब खानदान से जब उनको लड़ाना था तो उन्होंने अपना दल को सीट दे दी थी। हालांकि इस बार बातें हैं, चूंकि आकाश सक्सेना जी के पिताजी शिवानु सक्सेना जी 4 बार वहां से विधायक रहे हैं, उनकी भी चर्चा है। बीजेपी अपने कैडर से भी कुछ कई लोगों से बात कर रही है, और कई लोग स्वार टांडा में लगातार बहुत दिन से चहलकदमी करते हुए सक्रियता करते हुए दिख भी रहे थे। देखिए, रामपुर और स्वार की सीट को आप इस नजरिए से जरूर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर गढ़ या किला जैसे ध्वस्त होने की बातें शुरू हुई तो वो रामपुर से ही शुरू हुई। एक परिवार लगातार वहां पे काबिज था, और फिर न केवल वो काबिज था बल्कि ये कहा जाता था वो जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांसद के चुनाव में लोधी जी जीत के आए, फिर विधायक के चुनाव में सक्सेना जी जीत के आए। इस बार स्वार टांडा के लिए भी उनके लिए उतना आसान रहने वाला नहीं है। कहा जा रहा है आजम खान साहब के परिवार से ही कोई लड़ेगा, लेकिन अभी भी स्थितियां उतनी मुफीद होती हुई दिख नहीं रही है जैसा कि कुछ वर्षों पहले। ठीक है दुबे जी, बनी रहेगा। और फराज किदवई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें अब बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। इकलौती सीट है
आजम परिवार के पास, और आप लोगों पर तो आरोप ये भी लगते हैं कि समाजवादी पार्टी तो प्रचार तक करने के लिए नहीं जाती है अब आजम परिवार के लिए। देखिए मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि अगर आप जनता की बात करिए तो सुवार सीट से अब्दुल्ला आजम साहब जो हमारे एमएलए हैं वो एक बार 50,000 प्लस और एक बार 60,000 प्लस वोट से इलेक्शन द्विवेदी जीते हैं। जहां तक रही बात जनता की, तो जनता ने हमेशा आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम साहब को आज से नहीं 20 साल से जनता ने मैंडेट दिया है और खूब प्यार दिया है जनता ने। आजम खान साहब को एक यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिली है, ये जनता देख रही है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि वो अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने देते हैं, लाठी चार्ज करते हैं और तमाम तरह की अट्रॉसिटीज करते हैं, पूछा यही सवाल, तो वो कह रहे हैं कि जहां पर आप लोग चुनाव हार जाते हैं तो आप लोगों को धांधली नजर आ जाती है, जहां जीत जाते हैं तो वहां आप कुछ नहीं बोलते, तो दोहरा रवैया रहता है आप लोगों का। दिव्या जी देखिए क्या है कि आप ही लोगों की रिपोर्ट्स थी जब अभी बाय इलेक्शन हुए थे रामपुर में कि किस तरह से जो हमारे वोटर्स थे उनका रास्ता रोका गया, पुलिस ने उनके साथ ज्यादतियां की, बदतमीजी की, और जो टोटल ओवरऑल टर्नआउट था वोटर्स का वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। और अगर बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा दिए, जिसकी की उम्मीद बहुत कम है कि भारतीय जनता पार्टी होने देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में देश और प्रदेश दोनों में जिस तरह से लोग पहले आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ चुनाव हारेंगे, फेयर इलेक्शन की बात आप कह रहे हैं, तो फिर आप लोग यही कहना चाह रहे होंगे कि ये सीट गवा दी। मैंने 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 आपसे क्या कहा कि 25-30 साल से जिस तरह से रामपुर का पूरा जिला, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो चाहे असेंबली इलेक्शंस हो, आप अब्दुल्ला आजम साहब की स्वार सीट पे ही देख लीजिए, लास्ट टू इलेक्शंस में एक बार 50,000 प्लस से जीते और एक बार 60,000 प्लस से जीते। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद जिस तरह से अब्दुल्ला आजम साहब को और आजम खान साहब को मिलता रहा है, 100% वहां पर से हमारा कैंडिडेट जीतेगा, ये आप मान करके चलिए। ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट के खिलाफ अपना प्रशासन का इस्तेमाल करें, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करें और किसी तरह से हम ये सीट ये लोग छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर लोकतांत्रिक तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो गए तो आप ये मान करके चलिए कि 70% ऑफ द पोल वोट समाजवादी पार्टी को मिले। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी ओपी सिंह साहब से आगे, लेकिन सैयद आमिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सैयद, वहां की जनता क्या सोच रही है, कैसे इस मुकाबले को देख रही है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सीट से लगातार अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं वो जीतते आए हैं, लेकिन दोनों बार ही उनकी विधायकी जो है चली गई है। अब सीट जो है खाली हो गई है और उस सीट पर क्या जनता सोच रही है अभी तक, हालांकि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए हैं, चुनाव सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, वहां पर चर्चा बनी हुई है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हमारे साथ लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वार में क्या इस बार क्या बीजेपी आएगी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से दावे हो रहे हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जनता को सोचना चाहिए, जिस तरह से अभी तक 8 साल में काम रहा है, शिक्षा के एतबार से देख लें या बेरोजगारी दूर, तो बीजेपी हर जगह फेल हुई है। अगर अभी अगर लोग भाजपा को चुनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूं तो ये तो हमारा हम राजनीतिक तौर पर कोई शऊर भी नहीं रखते, इसका मतलब बीजेपी फेल हुई है। और दावे किए जा रहे हैं कि जैसे रामपुर की सीट आजादी से अब तक पहली बार बीजेपी की झोली में गई है, तो अब स्वार की बारी है। ये हकीकत है, आजम खान की गलत नीतियों की वजह से गई है, जिन रामपुर वालों ने आजम खान साहब को 9 दफे विधायक बनाया। ठीक है, सैयद आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास और